अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस घर का काम करेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने अभी भी ग्राइंडर चलाई है और इसकी जरियां वगैरह लगाई हैं। यहाँ पे एक बात है, ये वाला, और नीचे सीढ़ियों पे बात है, और बाहर यहाँ पे गीजर दिया है, और ये नीचे टूटियों का पॉइंट है, साथ में मोटर लगी है, और यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे पॉइंट। ये देखें, यहाँ से हमारी मेन टंकी ऊपर आएगी, इधर हम इसे ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे टंकी का पॉइंट हमारा ऊपर आएगा, और साथ में ये देख सकते हैं कि छत के ऊपर मिट्टी वगैरह डल गई है, काम हो रहा है इसका। अभी टाइल भी लगाएंगे, लगाने के बाद मैं मशीन चला रहा हूँ और ग्राइंडर भी साथ में चल रही है। अभी जब हम सारी चरी लगा लेंगे तो इसको खाली करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा साथ में किचन है जी, ये किचन की भी मैंने चरी खाली कर ली है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे चूल्हा होगा, ये बोर्ड गलत है, बोर्ड यहाँ से पीछे हट जाएगा, बोर्ड की ये जगह बताइए, मैंने इधर लगाओ बोर्ड, और यहाँ पे हमारा चूल्हा चलेगा, और ये हमारा यहाँ से गैस बाहर गली में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा सिंक लगेगा, ये वाटर सप्लाई के नीचे मैंने पॉइंट दिए, और साथ में ये गैस है, इधर से गैस सीधी बाहर निकल जाएगी गीजर के लिए। और इसी तरह किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट इस कमरे में देना है और दूसरा यहाँ पे देंगे इस जगह। ये कमरे में अभी रेत वगैरह है, इसका प्लास्टर हो रहा है, यहाँ मटीरियल स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और साथ में इधर हो जाएगा हीटर और लैंप के लिए। और इसी तरह देख सकते हैं, ये गट्टा चला गया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने शावर दिया है, 4 फुट की यहाँ पे दीवार लगेगी वॉशरूम की, यहाँ से 4 फुट की दीवार लग जाएगी, और साथ में यहाँ पे इसका सारा सिस्टम है। ये देखें, ये सिंक पॉइंट है, और साथ ये वाले गीजर के हैं, इधर हम दो टूटियाँ देने वॉशिंग मशीन के लिए। जब यहाँ पे दरवाज़ा होगा हमारा वॉशरूम का सीधा, और ये हमारी डब्ल्यूसी लगी हुई है, ये डब्ल्यूसी का पॉइंट है इंडियन का, और साथ में यहाँ से हम गीजर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और टैंकी मेन टैंकी ऊपर जाएगी, और ऊपर छत पे भी पानी चला जाएगा। इस तरह ये मोटर है, मोटर को भी हम यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, उस तरफ से घूम के मोटर भी हमारी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक टॉयलेट सीट के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, ये हमारा गीजर इधर से ऐसे टैंकी के लिए ऊपर पॉइंट चला जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज की फिटिंग है, और ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, देख लें, ये 6 मरले का घर है, इसके 2 कमरे पीछे हैं, ये वाला एक बड़ा कमरा है फुल, और एक छोटा है, और साथ में ये सहन भी है। इसी तरह ये किचन है, वो किचन के साथ ये सारा निज़ाम चलेगा, और इसके ऊपर छत भी है। अभी मैं इसकी लाइन चला रहा हूँ, जैसे ही ये काम शुरू होगा हम ऐसे ही आपको साथ साथ गाइड करते रहे। हमने काम शुरू कर दिया, ये हमारा है जी, यहाँ जो आश्रम का बाहर वाला खुरा है ये उसकी टूटियाँ हमने दी है, और साथ में ये मोटर के लिए लाइन इधर से जा रही है, ठीक है, ये गीजर दिया है, और इधर हमारा वाश बेसिन होगा। ये बड़ी शॉर्ट सी जगह है, इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट काम हो रहा है। ये देखें, ये हमारा शावर है, मिक्सर शावर, और साथ में ये हमारी डब्ल्यूसी का पॉइंट है नीचे, ये वाला, इधर से हम डब्ल्यूसी का पॉइंट देंगे, और इधर से हमारी लाइन ऊपर छत के लिए जाएगी। ये हमारा मोटर का पॉइंट है, ये सिंपल सी वायरिंग है, ये सारी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा ये आप सेन देख सकते हैं, जिधर हमारा वाशरूम होगा, ये देखें, ये सीढ़ियों के नीचे वाशरूम है, ये इसकी यही मैक्सिमम जगह है, ये सामने दीवार हो जाएगी 4 फुट के फासले पे, और साथ में इसका दरवाज़ा भी निकल जाएगा, ये दरवाज़ा होगा,
और इसी तरह ये सिंपल काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। और इधर से हमारी ऊपर से टैंकी ऊपर चली जाएगी, आपको पहले भी दिखाया है। और ये हमारा देखो ज्वाइंट हम हीटर के साथ लगा रहे हैं, ये देखिए हमारे ज्वाइंट जोड़ जो हैं बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। सारी फिटिंग इसी तरह की है, ये देखें। और ये देखें ये सारे ज्वाइंट हमने बड़े अच्छे तरीके से लगाए हैं, वायरिंग में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा करते हैं। और आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी इसलिए बनाता हूँ कि आपको समझ आए। ये हमारा गीजर का पॉइंट है और ये हमारा शावर का है, ये वाला ये शावर के लिए। और इसी तरह ये सारी फिटिंग है, ये देखे हमने वायरिंग मुकम्मल कर ली है। ये गीजर है ये वाला, इसके साथ ही हम नीचे आए, यहाँ पे हमारे बेसन का पॉइंट है और यहाँ पे हम बेसन लगाएंगे। ये हमारा सिर्फ यहाँ पे बेसन होगा और ये हमारी बाहर छोटा खुरा है उसकी टूटी है और साथ में वो सारा इसी तरह का काम है। ये देखें ये हमारा वाश बेसन, ये ऊपर गीजर है और ये वाला हमारा छोटा खुरा। और ये जो सामने है दो पॉइंट, ये हमारा वाशरूम का है, वाशरूम बंद हो जाएगा उसके बाद वो देखें वो सामने डब्ल्यूसी का पॉइंट होगा। इसी तरह ये सारी हमारी वायरिंग सिंपल सी। और ये जो लाइन नीचे फर्श में है ये सीधी मोटर को जाएगी, ये मोटर के लिए है और मोटर का उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। जब भी मोटर चलेगी तो पानी बिल्कुल गर्म आएगा, ताज़ा पानी, गर्मियों में ठंडा होगा, सर्दियों में गर्म आएगा, वाश बेसिन में भी और इधर भी। और साथ में अगर गीजर लगाना चाहे तो गीजर पर मीटर के लिए। और ये वाला ये हमने गीजर का दिया है और इसी तरह ये गैस ऐसे अंदर आ रही है, अंदर आने के बाद देंगे। और साथ में ये चूल्हे का पॉइंट है। ये दोस्तों मैंने गैस मुकम्मल कर ली है, ये सारी गैस की है, ये देख सकते हैं। ये हमने चूल्हे का पॉइंट दिया है, इसको मैं प्लग करने लगा हूँ। ये हमारा चूल्हा है, तो जी ये हमने चूल्हे का पॉइंट दे दिया और साथ में ये हमारा बाहर चला गया पॉइंट, इसको हम अभी क्लंप करेंगे। और ये हमारा गीजर के लिए चला गया। इस तरह इसकी किचन का भी काम हो गया। ये हमने दो पॉइंट दिए पानी के सैंक के लिए, नीचे से लगेंगे टूटी को, इसके ऊपर बॉल होगा सैंक बॉल और नीचे ये पॉइंट बन गए। ये किचन हमारा कम्प्लीट हो गया। ये हमने ये भी मुकम्मल कर लिया, ये सारा यहाँ का वर्क है पानी वाला। ये हमने यहाँ पे वॉशरूम के अंदर एक एक्स्ट्रा टूटी दी है टप वगैरह रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा मिक्सर होगा, मिक्सर के नीचे तो कोई शायद नहीं आएगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा टूटी है, वॉशरूम बहुत लंबा है, ये हमारा डब्ल्यूसी का पॉइंट है। और इधर से हम ऊपर टैंकी का लगा रहे हैं। ये सारा हमारा काम इस तरह मुकम्मल हो गया।